बलिया की संस्था युवा चेतना पिछले 15 दिनों से बलिया समेत पूर्वांचल में लगातार जरूरतमंद लोगों के बीच में साबुन, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रही है। यह संस्था लगातार गरीबों को खाना खिलाने से लेकर तमाम वो सेवा दे रही है जो लॉकडाउन के दौरान लोगों के लिए जरूरी है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने बलिया में गाँव गाँव द्वार द्वार भोजन पहुंचाने का बीड़ा उठा रखा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि डीएमएसपी, स्वास्थ्य कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी जनता की सेवा कर सकते हैं तो फिर प्रतिनिधि क्यों गायब हैं? युवा चेतना ने अब तक 25,000 से अधिक लोगों तक जरूरी सेवाओं को पहुंचाया है। इतना पिछले 15-16 दिनों से बलिया सहित पूरे पूर्वांचल में लोगों के बीच भोजन, मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का वितरण करा रही है। देश में उसी के बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद लोगों को नौकरी और व्यापार और रोज के जो कमाने वाले लोग थे उनके साथ परेशानी आई। उसको देखते हुए हम लोग अपने आप को सैनिटाइज रखते हुए और भोजन को भी बिल्कुल सैनिटाइज तरीके से बनवाकर जो ज़रूरतमंद भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, उनके बीच वितरित करा रहे हैं। देश और पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी और विपदा के बोझ से दब गया है। ऐसी परिस्थितियों में सबको इस संकट में आम जनमानस के मदद के लिए आगे आना चाहिए, इस बात की भी हम अपील लोगों से कर रहे हैं। देखिए,